कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को बढ़ता देख इंदौर जिले के महू के किशनगंज थाना पुलिस ने जनता को समझाइश देने का निकाला अनोखा उपाय। पुलिस के साथ यमराज की शक्ल में एक व्यक्ति गांव-गांव जाकर समझाइश दे रहा है। किशनगंज पुलिस की पहल पर आज यमराज के भेष में एक व्यक्ति हरसोला गांव पहुंचा और लोगों को समझाइश दी। मैं यमराज हूं, कोरोना को लेने आया हूं। जो मुंह पर मास्क लगाएगा, हाथों को सैनिटाइज करेगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा वही बच पाएगा। इस प्रकार से कई ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। इंदौर ब्यूरो के साथ देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। मैं यमराज हूँ, कोरोना मरीज को लेने आया हूँ। मेरे से वही बच सकता है जो बार बार हाथों को साबुन से धोएगा, मुंह पे मास्क लगाएगा, तथा हाथों में ग्लव्स पहनेगा और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करता रहेगा। कोरोना में इंसानों की लूट है और तुम्हें ले जाने की छूट है। कोरोना को आपको और हमको मिलकर बनाना है। ये संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकना है। इसके लिए शासन और प्रशासन के बनाए गए नियमों का पालन करना है और कोरोना में इंसानों की लूट है और तुम्हें ले जाने की छूट है। कोरोना विस्फोट हुआ है, इसके मद्देनजर थाना किशनगंज द्वारा एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें यमराज को लेकर गांव-गांव जाके ये संदेश दिया जा रहा है कि कोरोना वायरस इतना फैल चुका है, कभी भी यमराज आपके घर आ सकते हैं और आपकी मृत्यु हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो शासन प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना, मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना और बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, ये खुद की जिम्मेदारी बनती है। इसी के तारतम्य में ये बताएगा गांव-गांव जाकर कि कोरोना से बचाव करना है और सबकी जिम्मेदारी है। इसी चक्कर में ये नया प्रयोग किया गया है और यमराज का एक नया प्रयोग किया गया है। मैं सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह सेवर थाना किशनगंज से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।